हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं ना पेड़ों पर ये बैंगन। देखिए कितने प्यारे प्यारे बैंगन हो रहे हैं इस पौधे पर। और ये जो पौधा है ये पॉलीथीन के ग्रो बैग में उगाया गया है और बहुत ही अच्छे से उगा है। देखिए, ये पॉलीथीन का ग्रो बैग है जो कि अमेज़न से मंगाया था। और ये जो जगह है जहाँ मैं आया हूँ ये दिनेशपुर में ही है। एक आंटी जिन्होंने ये सब काम किया है, बहुत ही कम अपने इस घर में रह पाती है। अधिकतर समय वो काम की वजह से उनको पहाड़ में रहना होता है और अपने घर में वो कम रहती हैं। उसके बावजूद देखिए कि कितने अच्छे अच्छे बैगन इनके यहाँ पर हो रहे हैं और वो भी पॉलीथीन के ग्रो बैग में। पिछले कुछ दिनों से लगातार बैगन को तोड़ रही हैं यहाँ से और घर में उसका यूज़ कर रही हैं सब्जियाँ बनाने में, लेकिन फिर भी अभी भी कई पौधों में बैगन हैं और फूल भी अभी भी खिले हुए हैं। तो अचानक से मैं इनके यहाँ पहुँचा था तो बस इतने ही उस समय बचे थे और बाकी में फूल वगैरह हैं, फिर से आ जाएंगे मैगन। तो चलिए मिलते हैं आंटी के साथ और उनसे बातचीत करते हैं। आंटी, आपका स्वागत है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आंटी आपका नाम जानना चाहेंगे। दीपिका मल्लिक। तो ये उत्तराखंड से ही हैं आप? हाँ। ठीक, तो ये जो बागवानी कर रहे हैं आप कब से कर रहे हैं? ये ज़्यादा टाइम नहीं है, साल भर से। पिछले साल लॉकडाउन में किया था, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम अल्मोड़ा में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आपका ये मकान है? हाँ, यहाँ मकान है। तो बीच बीच में आना होता है और हाँ, तब करते हैं? दो तीन चार महीना में आते हैं, एक आध महीना रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो बाकी समय में इनकी देखभाल फिर कौन करता है? इतना अच्छा बगीचा आपका हो रखा है, ये तो दो चार दिन की नहीं है। बेटा है, वो थोड़ा थोड़ा कर लेता है। अच्छा, वो बाकी आप लगा करके जाते हैं? टाइम नहीं है, जो है वो कर लेता है थोड़ा बहुत। अच्छा, वो यही रहते हैं? यही रहते हैं। एक बहुत अच्छी बागवानी आपने बना रखी है। तो क्या क्या लगाया आपने अपने बगीचे में? ये दिखाई दे रहा है भिंडी बैगन तो? हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ। और क्या क्या है? फलों में भी कुछ लगाया है? फलों में अमरूद है, ये नींबू है। अच्छा, यहाँ ये नींबू का भी दिखाई दे रहा है, वो भी रहा है। नींबू का पेड़ है, अभी फल नहीं आया उसमें। बहुत अच्छा, तो पूरी बगिया हमने आपके देखी। तो ये क्या बचपन से ही शौक है आपको? हाँ, बचपन से ही शौक है। तो पहले भी करते थे आप? पहले करते थे थोड़ा थोड़ा, पहाड़ में वहाँ तो जमीन नहीं है, थोड़ा छोटे छोटे पॉट में कभी पॉट में ही करते थे इसको। और बचपन में क्या पॉट में ही करते थे बचपन में भी, या उस समय नीचे जमीन पर करते थे? हाँ, जमीन पर ही होता था, वहाँ घर में जमीन में ही करते थे। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बागवानी को देख करके, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दीपिका आंटी ने इन पॉलीबैग्स में ना केवल बैगन के पौधे लगाए हैं बल्कि जो मिर्च के पौधे हैं और जो भिंडी के पौधे हैं वो भी इन्होंने लगाए हैं। देखिए, भिंडी हो भी रही हैं और यहाँ से रोज़ाना भिंडी तोड़ भी रहे हैं। और इत्तेफाक से आज शाम को मैं यहाँ पर पहुँचा था और दिन में ही यहाँ से भिंडी तोड़ करके सब्जी उन्होंने बनाई। और देखिए किस में लगा हुआ है, बिल्कुल एक बैग जो है, जो इस तरह के बैग होते हैं आटे के साथ, दलिया के साथ, ये सब मिलते हैं, तो इस तरह के बैग में इन्होंने लगा दिया है जो भी कुछ इनको मिला आसपास। और जो भी घर में वेस्ट चीज़ें थी सब उन्हीं चीज़ों का यूज़ भी इन्होंने किया है इन सब्जियों को और फूलों को लगाने में। देखिए, यहाँ पर एक थर्माकोल के डिब्बे में इन्होंने चौलाई लगा दिया है, तो हरी चौलाई है, बीच में दो चार लाल चौलाई भी इसी के अंदर ही है और यहाँ से उनको भरपूर मात्रा में ये साग मिल जाता है। ये जो पेटी है थर्माकोल की, ये मछली की पेटियाँ होती है, मछलियाँ पैक होकर के आती है और जो लोग मछली बेचते हैं तो उनके पास ये मिल जाती है। देखिए, एक बाल्टी को किस तरीके से यूज़ किया है, किनारे किनारे से होल इन्होंने किया है
और उसमें यहाँ पर जो लौकी का पौधा है वो लगा दिया है। और देखिए मचान किस तरीके से बनाया गया लौकी को चढ़ाने के लिए। पहले कुछ जो डोरी है उसका सहारा लेकर के छत के दोनों किनारे जो बाउंड्री है तो उनमें बांध दिया गया, और ऊपर से कुछ इस तरह से जो लकड़ियाँ वगैरह है वो डाल दिया, और इससे देखिए बहुत अच्छा मचान इनका तैयार हो गया। तो बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से मैनेज किया है आंटी ने इसको। और इधर से भी देखिए और भी बेल चल रही है, तुरई की बेल यहाँ पर है, और यहाँ भी इन्होंने मछली की जो पेटियाँ हैं थर्माकोल की पेटी तो उन्हीं का यूज़ किया है। दोस्तों ये पेटियाँ पुरानी ही हमें मिल पाती है, जो फिश मार्केट है वहाँ से मिल जाता है, और 40-50 रुपए तक आराम से हमें मिल जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तुरई लग भी रही है और बहुत सारे यहाँ से तोड़ भी चुके हैं तुरई, और भी दूर दूर है तो वहाँ तक कैमरे को ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। देखिए दोस्तों हर जगह कुछ ना कुछ कारीगरी आंटी ने कर रखा है, कहीं बॉटल को ऊपर से लगा करके उसमें पानी डाल करके जिससे कि ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम से वाटरिंग होती रहे। यहाँ भी देखिए अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं, कोई सजावटी है कोई फूलों का है, तो यहाँ पर देखिए कुछ साग है तो इसको यहाँ लगा रखा है, ये कमली साग इसको कहा जाता है, तो यहाँ पर इनको लगा रखा है और इसको जितना काटते हैं उतना ही नीचे से और होता जाता है। यहाँ पर भिंडी की एक पूरी क्यारी बना रखी है, नीचे पॉलीथीन बिछा दिया और यहाँ पर किनारे से ईंट लगा दिया तो छत में इससे पानी नहीं जाता नीचे, और भिंडी भी वहाँ बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए यहाँ पर कट्टे में भी भिंडी के पौधे हैं, और यहाँ पर देखिए ये हरसिंगार का पौधा, तो इन्होंने एक टहनी लगाई थी और उसी को कट करके देखिए कितना एक झाड़ी नुमा एक बुशी जो पौधा उन्होंने तैयार कर दिया है। और ये किस में हो रहा है देखिए, एक कट्टे में, कट्टों का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। नीचे जो मिर्च के पौधे हैं वो डाल दिए हैं आंटी ने। देखिए यहाँ पर एक गुड़हल का पौधा है, और इस गुड़हल के पौधे में आपको कुछ पॉलीथीन वगैरह बंधा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, तो ग्राफ्टिंग भी किया है, दूसरे कलर के जो ब्रांच है वो इन्होंने यहाँ लगाया है साथ ही, और इसको भी जो टिन है उसके पीपे में लगाया है। और यहाँ देखिए पोर्टुलका, तो पोर्टुलका को छोटी छोटी जो डंडिया है छोटे छोटे ब्रांच है उसको लगा दिया था, और देखिए कितने पतले से पॉट में है। ये एक डस्टबिन का ढक्कन है जो टूट गया था तो उसी में लगा दिया है। दोस्तों देखिए कितने प्यारे प्यारे नींबू हो रहे हैं इनके छत के बागान में, और इधर भी है और भी कई सारे ये तोड़ भी चुके हैं आंटी। और देखिए किस में लगा हुआ है, लोहे की बाल्टी जिसमें कि नीचे से छेद हो गया था, लीक हो गई थी, तो उसी बाल्टी का यूज़ करके इस पौधे को लगाया और इसमें नींबू भी हो रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये सारे चीज़ें इस छत में हैं। दोस्तों छत में कुछ चीज़ें आपको बिखरी बिखरी सी लग सकती है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी छत में कुछ रिनोवेशन का काम आंटी को कराना है, तो चीज़ें सब हटानी पड़ेंगी, इस वजह से उन्होंने जो है ज़्यादा मैनेज नहीं किया। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो सब जगह उन्होंने भर दिया है। देखिए यहाँ भी इसमें मिर्च का पौधा है पॉलीथीन के ग्रो बैग में, और इधर ये एलोवेरा है जो पुरानी डलिया वगैरह होती है, प्लास्टिक के इस तरह के बास्केट होती हैं, डिब्बे हैं थर्माकोल के छोटे डिब्बे जो किसी प्रोजेक्ट के साथ आए थे, जितने भी बोरियां हैं जितने भी बर्तन यूजलेस हो गए हैं तो सब में कुछ ना कुछ लगा रखा है। और देखिए यहाँ पर एक लाइन से चीज़ें हैं, और ये जो आप पौधा देख रहे हैं पीपली का है, और पीपली में देखिए फल भी आए हुए हैं, खांसी के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, और साथ ही साथ इस पीपली के जो बेल है इनकी सब्जी बना करके भी हम खाते हैं। देखिए दोस्तों जो किचन में आए हुए प्रोडक्ट नमकीन वगैरह हैं तो उसके पैकेट्स का भी यूज़ इन्होंने कर दिया है बागवानी करने में,
और पूरी बेल देखिए यहाँ पर चढ़ रही है। इसमें कई तरह के सब्जियों की बेल है, कोई लौकी है तो कोई कद्दू है तो कोई झींगा है, तो काफ़ी सब्जियाँ यहाँ से आंटी को मिल चुका है। ये यहाँ पर देखिए एक ग्वावा का पौधा, तो बहुत सारे इसमें अमरूद के फूल आए भी थे इस बार, और छोटे छोटे बने भी थे लेकिन लगातार बारिश में कई सारे गिर गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से एक हरश्रृंगार का पौधा है, और कितने अच्छे से इन्होंने बनाया है। ऊपर से बस इन्होंने पिंचिंग कर दिया, जैसे ही नए पत्ते आए दो तीन तो थोड़ा पिंचिंग किया और वहीं से फिर नई ब्रांचेस भी आ गई, और इसको भी एक प्लास्टिक के बाल्टी में ही लगाया है। और यहाँ पर देखिए गमले को किस तरीके से, जो सरिया छत से निकली हुई है तो उसी के ऊपर रख दिया, साथ में ये टिन का पीपा, तो इसमें भी फूलों के पौधों को लगा दिया। तो काफ़ी दिनों से ये हैं, अच्छे चल रहे हैं। आम के पौधे भी इन्हीं पीपों में इन्होंने लगा दिया, और पहले थोड़ा इसमें कलर कर लिया था। आप अगर कलर करेंगे तो इस तरह के पीपे बहुत लॉन्ग लास्टिंग करेंगे, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से इन पीपे को कलर किया जाना चाहिए। और देखिए टूटे फूटे जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों का यूज़ आंटी ने गार्डनिंग में बखूबी कर दिया है। देखिए दोस्तों पुराने जो पेंट के डिब्बे हैं या बचे हुए पाइप के टुकड़े हैं या जो थर्मस है, तो सारी चीज़ें इनके गार्डन में हमें नज़र आती है। कोई भी चीज़ इन्होंने फेंका नहीं है, ना ही किसी कबाड़ी को दिया है। सब चीज़ों का यूज़ फ़िलहाल अपने प्लांट्स को लगाने में, उसको बचाने में और नए नए पौधों को कलेक्ट करने में कर रही हैं। और धीरे धीरे वो पॉट भी जो है थोड़े दिनों बाद इसके लिए लेना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे तो धीरे धीरे इनका छत भी बहुत खूबसूरत बन जाएगा, हम सब यही आशा करते हैं। और देखिए चलते चलते कहाँ चले आए, देखिए कद्दू कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पर इनके छत पर, हमें भी मिल भी गया। और देखिए ये सब थर्माकोल के बॉक्स में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ये फिर से पॉलीथीन के ग्रो बैग में है या मुझे लग रहा है कट्टे में है ये बैगन का पौधा। तो देखिए सब चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे पास कुछ अगर ना भी हो तो इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ करके अपने गार्डनिंग को कर सकते हैं, शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ देखिए एक मटके का यूज़ किया गया, किनारे किनारे से इस तरह से होल किए गए, और इसमें देखिए करेला लगा दिया और करेला बिल्कुल ऊपर तक चढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी हाइट तक करेले के पौधे चढ़ गए, बहुत करेले यहाँ से आंटी ने तोड़ा है। तो पौधे जब बहुत सारे फ्रूटिंग हो जाती है तो कुछ दिनों का ब्रेक ज़रूर लेते हैं और फिर से उसमें फ्लावरिंग होने लगती है, तो इस समय इसके ब्रेक का टाइम है। देखिए चारों तरफ खेत भी है, पंछियाँ भी है, और यहाँ पर भिंडी का फिर से पौधा, तो अलग अलग जगह पर बिखरा बिखरा सा है लेकिन सभी कुछ इनके गार्डन में है। बहुत सब्जियाँ हैं और वो आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए कैमरे को मैं हर जगह मूव कर रहा हूँ और कहीं भी हमें खाली नहीं मिल रहा है। रेलिंग में पूरी बेल यहाँ पर भरी हुई है, और यहाँ पर ये एक सहजन का पौधा भी इन्होंने छत पर ही लगा दिया है। देखिए इसके तो पत्ते फली सब कुछ जो है खाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरा हुआ ये पौधा है, आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और देखिए यहाँ पर ये मिर्च के पौधे, ये भी इसी तरह के पॉलीथीन के ग्रो बैग में हैं, और ये दोस्तों पॉलीथीन के ग्रो बैग हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, कभी कीमत कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो जब कभी भी ऑफ़र हो तो ऐसे टाइम का वेट भी आप कर सकते हैं और उस समय ले सकते हैं। दोस्तों देखिए कट्टे के अंदर इन्होंने जो शुगर कैन है या गन्ना है उसको लगा दिया आंटी ने, और इसी में ये बड़े हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही कट्टे में थे और काफ़ी गन्ने इसमें मिले थे, और किनारे अनानास भी इन्होंने लगा दिया है दूसरे कट्टे में इसी तरीके से।
तो कट्टों का बहुत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर चौलाई की एक पूरी क्यारी इन्होंने बनाई दी है। देखिए चौलाई कितने हरे भरे हो रहे हैं। यहाँ से डेली भी साग तोड़ते हैं, तोड़ा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा नए निकल आते हैं। और देखिए किस तरीके से बनाए हैं, इस तरह से ईंटों को लगा करके साइड से नीचे पहले चार ईंट रखे चारों कोनों में, और उसके ऊपर स्लिप डाली और फिर जो है किनारे किनारे से स्लिप के इस तरह से बाउंड्री कर दी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। यहाँ पर अमरूद, बहुत अमरूद आए थे, थोड़े रेड कलर के अमरूद हैं, अंदर से थोड़ा लाल है, और बहुत सारे इसमें से तोड़े भी गए। और आज जब मैं गया तो अमरूद भी यहाँ से मुझे खिलाया गया। बहुत ही अच्छा स्वाद इस पौधे में है, इस पौधे के अमरूद में है। और देखिए लगाया किस में गया है, देखिए पुराना टिन का जो एक डिब्बा था इनके पास, कंटेनर इस तरह का जो ख़राब हो रहा था, तो उसी में इसको लगाया है। तो वैरायटी बहुत है, देखिए कुछ ना कुछ पौधे हर जगह मिलेंगे। और ये पुराने बोरियों में जो भी वेस्टेज इनका बचता है गार्डन से, तो सारे कुछ इसमें बोरियों में जमा करके रखते हैं और फिर से उनका खाद भी बन जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक इतने ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।